playlist Know Your Disease. Today I am going to discuss about what is the general anesthesia, what is its stages. Let's start the topic. Now, what is the general anesthesia? It is a medically induced loss of consciousness and potentiary reflexes of the body by administering a local anesthetic agent. Now, what is the indication to give the general anesthesia? My indication is that जो surgery है जिसमें long time हमको muscle relaxation की जरूरत होती है. Example हम देखेंगे यहाँ cardiac surgery है, knee replacement है, joint replacement में ऐसी बड़ी surgery है जिसमें क्या होता है long time relaxation की जरूरत पड़ती है muscle relaxation. उसके लिए हम क्या करेंगे, general anesthesia का यूज करेंगे. Now, what is the advantages to give the general anesthesia? Main advantages is we can control the ABC of the patient. Second thing is that we can provide muscle relaxation up to the completion of the surgery. और तीसरी बात क्या है, patient is unaware about the what is going on, यानी कि सर्जरी में क्या हो रहा है वो पेशेंट को पता नहीं चलता है. ये जो तीन एडवांटेजेस है इसके लिए हम क्या करते हैं, वी आर गिविंग द जनरल एनेस्थेसिया टू द पेशेंट. प्रीवियसली क्या था, बिफोर 1920 की बात कर रहा हूँ मैं, तब ड्यू टू द जनरल एनेस्थेसिया वी हैड लॉट्स ऑफ द मोर्टालिटी. रीजन आप कोई भी समझ लीजिए, लेस ऑफ द टेक्नोलॉजी आप समझ लीजिए, या इन एक्सपीरियंस एनेस्थेटिक समझ लीजिए. आफ्टर 1920 डॉक्टर आर्थर गोडेल्स उसने फोर स्टेजेस दिया है एनेस्थेसिया का जो आज तक पॉपुलर है. अब फोर स्टेजेस क्या है, तो इसमें है स्टेजेस वन जिसको हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिया, और उसका दूसरा नाम है डिसओरिएंटेशन. स्टेज टू उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन, और स्टेज थ्री है उसको हम रियली बोलते हैं सर्जिकल एनेस्थेसिया. That is believed to be true anesthesia. और जो last stage है उसको बोलते हैं हम medullary depression. Let's talk each of them. Now we are talking about the stages one of the general anesthesia. उसका नाम है analgesia, या हम बोलते हैं इसको disorientation. Simple भाषा में हम बोलेंगे तो analgesia without the एमनेशिया, यानी कि ये जो स्टेज है उसमें क्या होता है, पेशेंट टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, लेकिन डिसओरिएंटेशन भी होता है, लेकिन ही और शी कैन कम्युनिकेट विथ अस, हमारे साथ बात कर सकते हैं, राइट. उसका जो पेन है वो रिलीव होता है. तो ये जो चीज़ है वो स्टेज वन में आएगी. दूसरी बात बताया क्या कि स्टेज टू उसका नाम क्या था, एक्साइटेशन. यह जो स्टेजेस में पेशेंट एक्साइट हो जाता है, स्ट्रगल करता है, डिलीरियम बढ़ जाता है, और समटाइम देयर मे बी ए कफिंग, वॉमिटिंग, इट मे बी ए रैपिड एंड इरेगुलर पल्सेशन, रैपिड आई मूवमेंट हो जाती है. लास्ट में क्या होता है, पेशेंट को एमनेशिया हो जाता है. यह जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी स्टेज टू की. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेज थ्री, that is called the surgical anesthesia. यहाँ क्या होता है, patient है loss of the consciousness total हो जाती है उसमें. ये जो loss of consciousness है वो gradually कैसे होती है, उसको सब डिवाइड कर दिया है फोर प्लेन में, प्लेन वन, प्लेन टू, प्लेन थ्री और प्लेन फोर. ये जो प्लेन वन है उसमें जनरली क्या होता है, डिक्रीज द आई मूवमेंट एंड पुपुलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और डिक्रीज हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन वन. और जो ये प्लेन टू है उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ द कॉर्नियर रिफ्लेक्सेस. ये जो हमारा कॉर्नियर रिफ्लेक्सेस है टोटली लॉस हो जाता है, और जो सिक्रीशन ऑफ द टीयर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं हम स्टेज टू, यानी कि प्लेन टू.
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन थ्री, इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज द लॉस ऑफ द कॉर्नियल रिफ्लेक्सिस, पुपिलरी डायलेटेशन हो जाता है, राइट और दूसरा क्या होता है, जो लाइट रिफ्लेक्स हम चेक करते हैं वो भी टोटली लॉस हो जाता है, तो ये आता है स्टेज थ्री यानी कि प्लेन थ्री में। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेन फोर, लास्ट स्टेज ऑफ द ट्रू एनेस्थीसिया, इसमें क्या होता है, ग्रेजुअली द थोरासिक ब्रीदिंग है और डिक्रीज होने लगता है, और जनरलाइज द मस्कुलर टोन है वो भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो फोर प्लेन बताए, प्लेन वन, प्लेन टू, प्लेन थ्री और प्लेन फोर, ये जो सब टाइप्स है वो है क्या है, ट्रूली सर्जिकल एनेस्थीसिया। और यह स्टेज जैसा है इसके दरमियान भी हम क्या करता है, कोई भी सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्टेज फोर, जिसका नाम क्या है, मेड्यूलरी डिप्रेशन, और इस स्टेज को हम बोलते हैं ओवरडोज ऑफ द एनेस्थीसिया। बाय चांस मेड्यूलरी डिप्रेशन हो गया तो उसमें क्या होता है, सडनली लॉस ऑफ द स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन होता है, और ग्रेजुअली डिक्रीज द कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। अगर ऐसा हुआ तो इट इमीडिएटली रिक्वायर्स द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी मेजर्स इमीडिएटली, और एज सून एज पॉसिबल हमको क्या करना है, जो स्टेज फोर है ओवरडोज वाला, उसको हमको क्या इमीडिएटली स्टेज थ्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। आई होप यू जस्ट गेट द ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द व्हाट इज जनरल एनेस्थीसिया, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया इन ब्रीफ। नाउ आई कंक्लूड द टॉपिक इन ब्रीफ, व्हाट इज द जनरल एनेस्थीसिया, इट इज ए मेडिकली डिक्रीज द लॉस ऑफ द कॉन्सियसनेस विथ रिफ्लेक्सिसिटी ऑफ द बॉडी बाय एडमिनिस्टरिंग ए मेडिकल एनेस्थेटिक एजेंट। इंडिकेशन क्या दिया कि जो लॉन्ग टाइम चलने वाली सर्जरी है उसमें हमको क्या करना पड़ता है, जनरली मसल्स को रिलैक्स करना पड़ता है। ऐसी सर्जरी कौन सी थी, नी सर्जरी है, हार्ट सर्जरी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, ऐसी सर्जरी में क्या है, जनरली हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। बेनिफिट क्या बताया था हमने कि टोटल पेशेंट अवर अनअवेयर रहता है कि क्या हो रहा है। दूसरी बात क्या थी कि जिसका एबीसी है हम उसको इमीडिएटली कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वर्स सिचुएशन आई तो उसका पेन कम हो सकता है, राइट। और पूरे सर्जरी के दौरान हम क्या करते हैं, उसके जो मसल्स है उसको हम रिलैक्स कर सकते हैं, राइट। एज पर द डॉक्टर आर्थर गोडेस, उसने उसको क्लासीफाई किया है चार स्टेज में। स्टेज वन हमने उसको क्या बोला, एनाल्जेशिया, सिंपली भाषा में हम बताया कि एनाल्जेशिया विदाउट द एमनेशिया, यानी कि इसमें एमनेशिया नहीं होता है, ओनली इसका पेन जो है वो कम हो जाता है, पेशेंट जो है वो डिसओरिएंटेड हो जाता है, राइट, और कम्युनिकेशन कर सकता है। स्टेज टू था, उसका नाम क्या बताया था, एक्साइटेशन, यानी कि पेशेंट इरिटेबल हो जाता है, स्ट्रगल करता है, डिलीरियम में रहता है, देन में बी ए कफिंग एंड वॉमिटिंग इज देयर, रैपिड और इरेगुलर पल्स हो जाता है, आई मूवमेंट रैपिड हो जाती है, और लास्ट में क्या होता है, उसको एमनेशिया हो जाता है। आफ्टर दिस स्टेज देयर इज ए थर्ड स्टेज, रियली इट इज ए सर्जिकल एनेस्थीसिया, जिसको हम बोलते हैं ट्रू एनेस्थीसिया। यह जो ट्रू एनेस्थीसिया है उसको हमने फोर सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, प्लेन वन, प्लेन टू, प्लेन थ्री और प्लेन फोर। प्लेन वन हम कब तक होते हैं, किसमें क्या होता है, डिक्रीज आई मूवमेंट हो जाता है, ये पुपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है, तब तक प्लेन वन रहता है। प्लेन टू में क्या होता है, लॉस ऑफ द कॉर्नियल रिफ्लेक्सिस और इंक्रीज द टीयर सिक्रेशन बढ़ जाता है। प्लेन थ्री में क्या होता है, इंक्रीज द लॉस ऑफ द को स्पॉन्टेनियस और कॉर्नियल रिफ्लेक्सिस, रियली लेरिंजियल रिफ्लेक्सिस बढ़ जाता है, और पीपल क्या है, ग्रेजुअली डायलिटेशन हो जाता है। स्टेज जो फोर है उसमें क्या होता है, जनरली ग्रेजुअली जो थोरासिक ब्रीदिंग है ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है, और ओवरऑल जो मस्कुलर टोन है वो रिलैक्स हो जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्टेज फोर। और जो लास्ट स्टेज है इसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी डिप्रेशन, यानी कि
ओवरडोज ऑफ द एनेस्थीसिया। बाई चांस ऐसा होता है तो क्या होता है, जनरली लॉस ऑफ द स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन जो है वो कंटिन्यूस डिक्रीज होने लगता है, और जो कार्डियो वास्कुलर एक्टिविटी वो भी क्या होता है, डिमिनिस होता है। दैट इज द सीरियस केस। ओके, वी शुड ट्राई टू कन्वर्ट 4 स्टेज इनटू द कन्वर्ट 3 स्टेज। अगर इसमें जो देर हो गई तो पेशेंट का क्या होता है, डेथ हो जाता है। राइट, आई थिंक यू गेट द ओवरऑल आइडिया अबाउट द जनरल एनेस्थीसिया डेफिनेशन, इंडिकेशन, एडवांटेजेस, क्लासिफिकेशन। राइट, आई होप इट विल यूजफुल इन द फ्यूचर।